Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are going to discuss bureaucracy and business. This is a very important topic of business environment, and this is unit 2 part 11. We have discussed in previous lecture emerging issues in business environment and media management. Media management mein there was a topic of public relationship, PR. That was a very important topic. Mostly aapke jo 5 number ke questions aate hain short mein, to usme se ye question PR se related kaafi baar pucha jata hai. Aur aaj ka jo topic hai bureaucracy and business, ye bhi bahut important hai. Is lecture ko miss mat karna, and please आप मेरा लेक्चर अगर देख रहे हो तो पेन एंड कॉपी लेकर के साथ में बैठना, बिकॉज मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ. अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है और ध्यान से आपने पढ़ा है, तो आपको इतने कंटेंट इसमें ऑलरेडी मिल जाएंगे ना कि अलग से आपको कहीं भी दूसरी जगह से दूसरे सोर्स से कंटेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ध्यान से लेक्चर को सुनिए. एग्जाम्पल्स को जो मैं आपको ईजी वे में दूंगी, आप उन्हें पेन डाउन कर लीजिएगा, एंड बाकी कंटेंट तो आपके स्क्रीन पे ही आपको मिल जाएंगे. वह आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कि जितने भी आपके कंटेंट्स हैं ना, ये देखो सारे कंटेंट्स आपको काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं. तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अलग सोर्स से ढूंढने की ज़रूरत है. चलिए इस पर नहीं जाते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू. सो जो हमारा टॉपिक है वो है ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस. तो पहले ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है एंड ये बिजनेस से कैसे एसोसिएटेड है. तो ब्यूरोक्रेसी ये डिराइव हुआ है फ्रेंच के वर्ड ब्यूरोक्रेटिक से, जो कि अगेन डिराइव हुआ है ब्यूरो से. मतलब पहले ब्यूरो, फिर ब्यूरोक्रेटिक, फिर ब्यूरोक्रेसी. ये तीन अलग अलग टर्म जो हैं वो एक टर्म से डिराइव हुआ है, जो कि फ्रेंच के वर्ड से हुआ था. तो जो सबसे पहले वो आया वो है ब्यूरो आया, फिर ब्यूरो से ब्यूरोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेसी. तो अब इसका अगर आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढने जाओगे तो ये वाला आपको डेफिनेशन मिल जाएगा. ये वाला डेफिनेशन मतलब कि इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अभी पहले इसको समझाते हैं, इसको समझते हैं पहले कि इसका मतलब क्या है, फिर इसको हम इससे रिलेट करेंगे, मतलब बिजनेस से रिलेट करेंगे कि जो ज़्यादातर डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के, वो स्टेट ऑफिशियल्स के थ्रू लिए जाते हैं. स्टेट ऑफिशियल्स का मतलब जैसे आपके सीएम हो गए या जो हायर अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं वो लोग, रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मतलब रादर देन कि जो इलेक्टेड, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जिनका चुनाव हुआ है, तो जिनका चुनाव हुआ है उनके डिसीजन लेने के बजाय जो स्टेट का जो मेन हेड होता है, जो मेन अधिकारी ऊपर बैठा होता है, जिसके पास में पूरी पावर होती है स्टेट को रेगुलेट करने की, वो ज़्यादातर डिसीजंस को लेते हैं. जैसे अब आप ये समझो कि जो विधायक हुआ, तो विधायक हो गए या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, तो वो लोग भी उतने डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो भी उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करते हैं जो कि सीएम डिसीजंस या सीएम के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं. अब आप इनको बिजनेस के टर्म्स में समझो. बिजनेस में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में जब आप इसको समझोगे, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब कुछ ये होता है कि आपके कंपनी के जो भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो भी डिसीजन है वो हायर अथॉरिटी लेती है. मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट, वो आपके सारे डिसीजंस को लेते हैं, रादर देन आपके डिपार्टमेंटल जो स्टाफ होते हैं या अदर स्टाफ, डिपार्टमेंटल या अदर स्टाफ, वो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस. वो सारे डिसीजंस, सारी चीज़ें, अगर उनको कुछ भी पास कराना पड़ता है तो उनको वो सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव करने होते हैं. मतलब उनके खुद के पास में बहुत कम अथॉरिटी होती है, बहुत कम पावर होती है. ये सीधे एक पावर वाली बात है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रेगुलेशन जो कि हायर अथॉरिटी बनाती है. और अगर जिस कंपनी में ब्यूरोक्रेसी है, इट मींस कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो स्टाफ हैं, उनके पास में लिमिटेड पावर होती है. इतना आपको समझ आ गया? ये बहुत ही ईजी टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है. अब इसको थोड़ा सा हम बुकिश लैंग्वेज में और एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है. इस डेफिनेशन से आप कन्फ्यूज़ मत होना. ये मत सोचना कि यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या बात आ गई, यहाँ पे स्टेट ऑफिशियल्स की क्या बात आ गई. ये सिर्फ आपको एक डेफिनेशन देकर के समझाया गया हुआ है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे किसी स्टेट ऑफिशियल्स, किसी स्टेट का कोई ऑफिशियल, मतलब हायर अथॉरिटी जैसे कि सीएम वगैरह हो गए, वो जो भी डिसाइड करते हैं, गवर्नर जो भी डिसाइड करते हैं, वो लोग नियम कानून सब कुछ बनाते हैं, रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चयन किए हुए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रत्याशी.
तो अब इसको थोड़ा सा इसमें समझो कि इसका मतलब क्या है। ये वाला डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बट इसको लिखने के लिए आपको ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये वाला लिखना पड़ेगा। फिर आप उसको ना बिजनेस के टर्म्स में समझा देना, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्यूरोक्रेसी टिपिकली रिफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ कॉम्प्लेक्स विद मल्टी लेयर्ड सिस्टम एंड प्रोसेस। जाहिर सी बात है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी होगा तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे सिस्टम से होकर की चीज़ें गुजरेंगी। मतलब एक रूल अगर बनेगा तो अगर आपको एक रूल बनने के बाद में ना उस रूल को मल्टी लेयर, मतलब उसके नीचे जाएगा, फिर उसके नीचे जाएगा, वहाँ का जो सिस्टम होगा, जो प्रोसेस होगा, काफ़ी स्लो हो जाएगा। क्योंकि वो टॉप लेवल, अगर आपको कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी पास कराना पड़ेगा, आप सपोज आप एम्प्लॉई हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन लेने का एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में एक सिस्टम से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी स्टेप बाय स्टेप। आप अपने हायर अथॉरिटी को, जो जो आपके ऊपर है, आप उनको रिपोर्ट करोगे, उनको रिक्वेस्ट करोगे, फिर जो आपके ऊपर हैं वो अपने ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको जा कर के बोलेंगे, फिर वो उस चीज़ को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद में तब कहीं जा कर के आपका प्रोजेक्ट या आपके जो भी आपने बात उनसे कही हुई है, आपके कुछ भी अगर आपका रूल्स है या कुछ भी रेगुलेशन है, या अगर आपको कुछ छोटा सा पास कराना है ऑर्डर, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एक लेवल से एक लेवल काफ़ी वेट करना पड़ेगा, और इसमें टाइम काफ़ी लैप्स होता है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड पावर होती है, और आपके जो ऊपर अथॉरिटी बैठी हुई उनके पास में भी लिमिटेड पावर होती है, क्योंकि सारी पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज होकर के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, उनके पास चली जाती है। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है कि दीज सिस्टम्स आर प्रोसीजर्स आर डिज़ाइन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल वही सेम चीज़ है कि ये क्यों बनाया जाता है ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी को इसलिए डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, उसका जो कंट्रोल है वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल के जो लोग हैं उनके पास में रहे। मतलब मैनेजमेंट की जो हायर अथॉरिटी है वो अपने पास में ऑर्गेनाइजेशन का फुल कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं कि अपने कंपनी में ब्यूरोक्रेसी को लागू करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ अ बिजनेस एज इन गवर्नमेंट religion or the military is a hierarchical organization operating under set of rules। बिल्कुल एक सेट ऑफ रूल होते हैं, उस सेट ऑफ रूल्स को सबको फॉलो करने पड़ते हैं, एक हायरार्की होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपको वो पूरी फॉलो करनी पड़ती है, और बिना उस चीज़ को फॉलो किए आप कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का अपना एक सेट ऑफ सिस्टम होता है, आपको उसको फॉलो ही करना पड़ता है। किसी कंपनी में अगर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रूल्स इसका मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अब आगे क्या है कि इन बिजनेस दैट इम्प्लाइज अ कंपनी लार्ज इनफ दैट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड सब ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग अप अ चेन कमांड। देखो ये सारी चीज़ें हैं, क्या है कि परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड इन सब ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग अप अ चेन ऑफ कमांड, मतलब चेन ऑफ कमांड होगी, मतलब कमांड का पूरा चेन होगा, ये इनको कमांड करेंगे, फिर ये इनको कमांड करेंगे, ये इनको कमांड करेंगे, तो मतलब ऐसे ही ये पूरा चलता रहेगा इस तरीके से। इनको इन तक पहुँचने के लिए इतना प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा, इसमें टाइम बहुत लैप्स होता है। ए लार्ज कॉरपोरेशन वुड बी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द बिजनेस। इसीलिए कोई आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लो, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी पास करना हो ना, तो काफ़ी आपको वेट करना पड़ता है, काफ़ी काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाकर के आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट या टेंडर या कोई भी चीज़ पास होती है, क्योंकि उनके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी इन बिजनेस एज इन गवर्नमेंट रिलीजन भी सेम चीज़ वही यहाँ पे रिपीट हो गई हुई है। इन बिजनेस दैट इम्प्लाइज अ कंपनी लार्ज एनफ that functions are performed by specialized sub-organization reporting up chains of command to the central of management। A large corporation would be clear example of bureaucracy in management। ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई ना पीछे, ये वाली चीज़, ये वाली सेम चीज़ इधर रिपीट हो गई हुई है। ठीक है, तो इसको आप कट कर देना, ये वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्या है कि ब्यूरोक्रेसी इन बिजनेस सेंस मीन्स एक्स्ट्रा रूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लेना, क्योंकि इससे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी ब्यूरोक्रेसी की। क्या कि बिजनेस में अगर आप ब्यूरोक्रेसी को समझने का कोशिश करो तो मतलब एक्स्ट्रा रूल, मतलब ज़्यादा रूल, ज़्यादा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब क्या, रेड टेपिज्म का मतलब जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म या रेड टेप, इसको लाल फीताशाही भी बोलते हैं।
1991 के बाद में इस चीज़ को काफ़ी ख़त्म कर दिया गया हुआ है। आज ज़्यादातर कंपनीज में ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनी जो बड़े लेवल पे काम कर रही है वहाँ आज भी थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने बना के रखा है ताकि जो कंट्रोल है वो मैनेजमेंट के हाथ में रहे। और नेक्स्ट आगे क्या है, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब उनमें मैनेजमेंट के इतने ज़्यादा लेयर्स होते हैं ना कि टॉप मैनेजमेंट में भी उनके बहुत सारे डिवीजन होते हैं। टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, काफ़ी कैटेगराइज करके वो चीज़ों को रखते हैं। तो एक ऑर्डर को पास कराने के लिए, टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचने के लिए बहुत सारे नीचे नीचे लेवल से होकर के गुजरना पड़ता है। लॉट्स ऑफ रूल्स होते हैं, लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करना पड़ता है। इन अ ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट देर आर रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स एंड इट्स डिफ़िकल्ट गेटिंग एनी थिंग डन। जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर में ज़्यादा कंट्रोल रहेगा मैनेजमेंट का या आपके बॉस का, तो आपका जो माइंड रहेगा वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। आप कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचोगे। आपको एक प्रोजेक्ट, एक टेंडर भी पास कराना है, एक बिल भी पास कराना है छोटा सा, तो उसके लिए आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, आपको वहाँ का रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपके हाथ में कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो ये जो होता है ना, इसमें टाइम का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। इसीलिए आज भी गवर्नमेंट के साथ साथ बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करती है। पूरी तरीके से कोई भी कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनी आज के डेट में ब्यूरोक्रेसी को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। एंड टाइम को बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को आज के डेट में काफ़ी कम कर दिया गया हुआ है। इट्स लाइक इट हैज़ बीन कर्टेल मोर देन 75-80% कंपनी में ब्यूरोक्रेसी नहीं है। 20% रखते हैं क्योंकि भाई मैनेजमेंट को रूल्स बनाने होते हैं, उनको पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा कंट्रोल तो उन्हें रखना पड़ता है। बट उन्होंने आज के डेट में एम्प्लॉयज़ काफ़ी फ्री हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को ले लाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करते हैं, स्किल्स लेकर के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो आगे क्या है कि स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कैन मैनेज ऑल ऑफ द नेसेसरी टास्क विदाउट मच डाइवर्सिफिकेशन। अगर स्मॉल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो काफ़ी सारे टास्क को बिना डाइवर्सिफिकेशन किए काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल, हाउएवर, वंस अ स्मॉल बिजनेस ग्रोज टू अ सर्टेन साइज, इट्स फंक्शनिंग विल रिलाई इंक्रीजिंगली एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन अ फॉर्मल बेसिस टू वेरियस एम्प्लॉयज़। छोटा बिजनेस है तो आप नेसेसरी टास्क को बहुत ईजिली कर लेते हो, बट जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है ना, तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। आपको नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करना पड़ता है, फंक्शनिंग करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है ना कि कुछ रूल्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। हर बिज़नेस का अपना एक फंक्शन करने का तरीका होता है, कुछ एक्सटर्नल पॉलिसीज़ होती हैं। कस्टमर रिटर्न्स को कैसे करना है, कैसे कस्टमर को डील करना है, उनको कैसे रिटर्न करना है, उनका अपना एक रूल होता है, तरीका होता है, तो उसको फॉलो ही करना पड़ता है। ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है। लार्जर कंपनी विल नीड टू राइट रूल्स दैट अप्लाई टू एवरी फंक्शन दैट बिजनेस टेक्स ऑन, फ्रॉम इंटरनल रूल्स ऑफ फॉर कंपनसेशन टू एक्सटर्नल पॉलिसी फॉर डिसाइडिंग हाउ टू मैनेज द कस्टमर रिटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। छोटी कंपनी है तो आपको, अगर आप रेड टेपिज्म करोगे तो चीज़ें होने से रहेंगी। छोटी कंपनी है तो आपने ही सारी चीज़ें कर लेते, या दो चार लोग मिलकर के कंपनी बनाते हो, फॉर्म करते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को करते हो, वहाँ पे डिसीजन बहुत फास्ट लिए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाएंगी, नए आप इंप्लॉयज़ को रखोगे, आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको कस्टमर पर ध्यान देना होगा, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको उनकी रिटर्न्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको कम्पीट करने के लिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज तो बनानी पड़ेंगी। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी आपको लानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी अलाउज सच अ लार्ज बिजनेस टू क्रिएट अ सेट ऑफ रूल्स। बिल्कुल, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब रूल्स का पूरा पूरा बंच होता है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, अच्छा खासा इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए होता है, दैट डिलिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस। मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस को डिलिनेट्स करता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि बांटता है कि आपके फंक्शंस क्या होने चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं इसके थ्रू पता चलते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस को अगर नहीं बांटा जाएगा ना, तो आप समझ नहीं पाओगे। डिलिनेट का मतलब एक होता है डिपिक्ट करना या डिपिक्चर करना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपके फंक्शंस को डेलीनेट्स करते हैं, मतलब डिपिक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि आपकी फंक्शंस, आपको किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है हर डिपार्टमेंट का।
देन है कि ब्यूरोक्रेसीज ऑल्सो एस्टेब्लिशेज अ प्रोटोकॉल फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये क्या है कि आपको जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो कि डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोटोकॉल भी बनाती है। डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोटोकॉल का मतलब, अगर आपको पता है क्या आप एक ब्यूरोक्रेटिक कंपनी में काम कर रहे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको काम करना है, किस तरीके से चीज़ें आपको फंक्शन करनी है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है कि बिजनेस ब्यूरोक्रेसी आर टिपिकली मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। जिस भी बिजनेस में ब्यूरोक्रेसी होती है, तानाशाही होती है, रेड टेपिज्म होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मतलब टॉप मैनेजमेंट हो गए, टॉप मैनेजमेंट में भी इनके कई सारे हो जाते हैं, डायरेक्टर हो जाते हैं, CFO हो जाते हैं, CMO हो जाते हैं, उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं, ये सारे टॉप के आ जाते हैं। फिर मिडिल में भी बहुत सारे आ जाते हैं, फिर लो लेवल में भी तो बहुत सारे कैटेगराइजेशन, मतलब पॉइंट्स के अंदर पॉइंट हो जाते हैं। अब आगे क्या है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट इज टिपिकली एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही चीज़, सेम चीज़ है जो मैं भी आपको डायग्राम में समझा रही थी। CEO और प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हो जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है रिपोर्ट करते हैं CEO को या प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, और डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू वाइस प्रेसिडेंट। जो डायरेक्टर हैं वो वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। बिलो द डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट टू सुपरवाइजर्स। जो डायरेक्टर्स के नीचे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं, और सुपरवाइज़र जो है मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। मैनेजर इन टर्न रिपोर्ट टू डायरेक्टर। तो मैनेजर क्या है कि डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो ये पूरी चेन बनी होती है। चेन का मतलब क्या, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, वो आपको पूरा बना होता है किस तरीके से आपको किसको रिपोर्ट करना है, पूरा रूल्स होता है। अब इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या हैं, पहली जो विशेषताएं हैं वो है क्लियर हायरार्की, दूसरी विशेषता है स्पेशलाइजेशन। देखो मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा इतना पूरा लिखो, लेकिन अगर आपके पास में नोट्स रहेगा और शॉर्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर वाले में, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अ क्लियर हायरार्की स्पेशलाइजेशन, फिर नेक्स्ट वाले स्लाइड पे ये लिखना है आपको डिवीजन ऑफ लेबर, सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स, ये चार हो गए। फिर ये चार ही आपको लिखने होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ज़्यादा आप 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये सवाल पूछता है ब्यूरोक्रेसी से, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, या अगर आप देना चाहते हो तो एक लाइन का दे देना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। लॉन्ग में पूछता है तो लॉन्ग के लिए कंटेंट आपके सामने है, इसको लिख लेना। अब क्लियर हायरार्की क्या है, क्लियर हायरार्की में ये है कि बिजनेस ब्यूरोक्रेसी हैव अ क्लियरली लेड आउट चेन ऑफ कमांड दैट इज अंडरस्टूड बाय एवरी एम्प्लॉय। सारी एम्प्लॉयज को समझ में आ जाता है कि चेन ऑफ कमांड क्या है, उनको किसको रिपोर्ट करना है, और जो किस तरीके से उनको काम करना है या काम करवाना है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किस तरीके से फ्लो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। उनको पता है कि टॉप मैनेजमेंट से ही बात कुछ होगी तो वो नीचे की तरफ आएगी, उनको अगर कोई बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो उनको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ये नॉट लाइक अ बी हाइव, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जहाँ पे सारे जो वर्कर्स होते हैं वो क्यू लगा करके खड़े रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस या इम्पोर्टेंस मिले और वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए छूट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी क्लियर हायरार्की होती है, उस हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन मतलब कि ईच मेंबर ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। हर एक पर्सन का स्पेसिफिक रोल होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी होती है, चाहे वो फाइनेंस का बंदा हो, चाहे वो अकाउंटिंग का हो, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, हर पर्सन अपने अपने क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होता है, और हर एक एम्प्लॉय को ये पता होता है कि उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कौन सा उसका जो एरिया है वो एक्सपर्टाइज वाला एरिया है, किस एरिया में उसको काम करना है, उसकी स्पेसिफिक जॉब क्या है, और आपका काम सही समय पर हो जाए इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड होना उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें क्या है कि इसमें आपके जो टास्क होते हैं ना, जो आपके काम, उनको ना कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, कई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आपके जो स्पेशलाइज्ड जो रोल होते हैं ना, वो डिवीजन ऑफ लेबर पे काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी डायरेक्टली हिट करते हैं। आपको ये पता होता है कि किस डिपार्टमेंट में आप हो, किस डिपार्टमेंट में
आपको कितना काम करना है, आपका ओवरऑल टास्क क्या है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो कितना सेल करना है, आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है और कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। फिर चौथा है कि सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स। एक सेट होता है फॉर्मल रूल्स का, आपको पता होते हैं कि इस रूल्स के हिसाब से ही चीज़ें होनी हैं। अब वो क्या है, अब देखो ये चीज़ यहाँ पे रूल्स का मतलब कि आपको प्रोसीजर पता होता है, आपको रिटन गाइडेंस मिलता है हर एक रोल का, आपको एक जैसे अगर आपकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो आपको किस रोल पे अपॉइंट किया जा रहा है, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप पूरा गाइडेंस रिटन में आपको मिलता है। उनका एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें रिटन में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन रिटन में होते हैं हर एक एम्प्लॉइज़ के लिए, जिसमें कि उनके अदर रूल्स भी मेंशन होते हैं बिजनेस के, या आपकी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित अगर कोई कंडीशन है तो वो भी उसमें लिखी रहती है। सारा कुछ रिटन रेगुलेशन होता है, और ये क्यों होता है, ताकि अनएम्बिगियस, मतलब कि कुछ भी अस्पष्टता न रहे। अनएम्बिगियस का मतलब होता है स्पष्ट, एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, लेकिन अनएम्बिगियस का मतलब होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो स्पष्ट होंगी तभी आप अपना रोल समझ पाओगे। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, एम्बिगियस में और अनएम्बिगियस में कंफ्यूज मत होना। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। अनएम्बिगियस का मतलब स्पष्ट, समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, यू नो वॉट यू हैव टू डू, वॉट इज़ योर रोल्स एंड वॉट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज की प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन बिजनेस, मतलब कि क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान है ब्यूरोक्रेसी के बिजनेस में। अब ब्यूरोक्रेसी का जो फ़ायदा है, सबसे पहला कि वो पावर को सेंट्रलाइज कर लेता है, पावर उनके सारे हाथ में आ जाती है, उनको कौन सा, उनके सारे रूल्स सारे डिफाइंड होते हैं, उनके रूल्स डिफाइंड है तो उनको पता है कि हर एक एम्प्लॉय की क्वालिटी को कैसे मेजर करना है, और इक्वलिटी उनको देनी होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, मतलब हर एक लेवल, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, उनके लिए सब सारे एम्प्लॉयज़ इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो कन्फ्यूजन होता है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, और आउटकम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। एडिशनली यहाँ पे क्या होता है कि दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजेस स्पेशलाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग ईच एम्प्लॉयज़ रोल। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करती है, हर एक एम्प्लॉय को अपना रोल पता होता है, क्लियरली उनको पता होता है कि वो किस डिपार्टमेंट में है, क्या उनका स्पेशलाइजेशन है, और वो अपना 100% दे पाते हैं। दूसरा क्या है कि ब्यूरोक्रेसी प्रमोट करती है इम्पार्शियलिटी को और फेयरनेस को। देखो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी लिखा हुआ है, मतलब कि पार्शियल मतलब होता है कि जहाँ पे आपके साथ में पार्शियलिटी की जा रही है, मतलब आपके साथ में कुछ अनबायस्ड चीज़ें की जा रही हैं। एक सेकेंड तो जहाँ पे आपके साथ में मतलब निष्पक्ष भाव से, पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपात करना, बट इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होगा, निष्पक्ष भाव से आपको पता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ भी चीज़ें आपके साथ में पार्शियल वाली चीज़ें नहीं होंगी, सारी चीज़ें आपके लिए इम्पार्शियल रहेंगी, फेयर तरीके से वहाँ पे काम होगा। जब आपको ये पता रहेगा ना, तो आपके कंपनी में आपका डिस्प्यूट आपके वर्क प्लेस पे नहीं होगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। आपको ये बात पता होगा कि आपका अपोर्शनिंग टास्क क्या है, कितना आपका काम हो गया है, कितना आपका काम बचा हुआ है, क्योंकि आपका टास्क आपको पता है, क्योंकि एक दिन में मुझे 500 टारगेट मिले हैं, आपका टारगेट आपको पता है, तो आप एनालाइज़ कर पाओगे कि अगर मेरा 300 हुआ है तो आप इसके बीच का डिफरेंस गैप एनालाइज़ कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी खुद के जो रूल्स हैं खुद बना पाओगे, बना करके आप उसको उस गैप को पूरा कर पाओगे। तो आप अपने को खुद को चेक करते रहोगे, क्योंकि आपको टारगेट दे दिया गया है, डजंट मैटर कि आप वो टारगेट कैसे पूरा करते हो। और द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय ब्यूरोक्रेसी डिस्करेजिंग फेवरेटिज्म को डिस्करेज करता है, और एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम सुपरवाइजर हु माइट अदरवाइज एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन अनफेयरली। कई बार क्या होता है कि आपके जो ऊपर बॉस बैठे हुए हैं ना, वो आपसे किसी बात से नाराज़ हो गए तो उन्होंने आपकी रिपोर्टिंग गलत लगा दी, तो आपका लॉस हो जाता है। बट जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पे आपने अपना टारगेट पूरा किया, बस टारगेट पूरा किया, बस ख़त्म। आपका जो प्रमोशन है वो नहीं रुकने वाला है, आपके साथ में कुछ अनफेयर नहीं होने वाला है, इम्पार्शियल कुछ इम्पार्शियलिटी कुछ भी नहीं होने वाली है,
बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उस कंपनी का होता है, अगर आपने उसको मीट आउट किया है तो आपका प्रमोशन होगा। अगर आप अच्छा, इसका एक फ़ायदा भी है नुकसान भी है सबको। कई बार क्या होता है कि हमारे बॉस को हम कई बार हमारे उनसे अच्छे टर्म्स हो जाते हैं, हमने अपने टारगेट को पूरा नहीं किया रहता है लेकिन फिर भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं उनसे, तो हमारे बॉस जो हैं ऊपर बैठे हुए हैं वो हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगा देते हैं। तो वहाँ पर आपके साथ में ये चीज़ है, आप जो भी करोगे वो पूरा ट्रांसपेरेंट वे में ऊपर वाले जो भी आपके बैठे हुए हैं उनको पूरा दिखेगा। तो ये चीज़ है सेकेंड पॉइंट, ये तो उसका पॉजिटिव चीज़ है कि इम्पार्शल और फेयरनेस होता है। तीसरा क्या है कि प्रोटेक्ट इम्प्लॉयज़, मतलब प्रोटेक्ट करता है वो अपने इम्प्लॉयज़ को जहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी होती है। अब ये किस तरीके से होता है, वर्क प्लेस पर हेल्दी एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, पुअर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, और क्योंकि वहाँ पे क्लियर डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स होते हैं। सेम वही चीज़ है, बार बार देख लो कि जब आप प्रोटेक्ट आपको किस तरीके से किया जाएगा, जब आपको पता होगा कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, उनका रिटेंशन रेट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं हो जाते हो कि हाँ ठीक है, ये बिज़नेस है ना, ब्यूरोक्रेसी हेल्प्स मेक्स अ बिज़नेस अ बेटर वर्क प्लेस टू। सो जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से फॉलो करी जाती है तो वहाँ पे सच में एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, प्रेशर भी काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट कि ब्यूरोक्रेसी हेल्प टू क्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड इसमें क्या है कि जब आपको ये पता है कि रूल्स क्या हैं एंड क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो आपके जो बॉस हैं, जो टॉप मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, उनके उनको ये पता होता है कि इस कंपनी का क्या आउटकम होगा। ऐसी सिचुएशन में आपके आउटकम भी प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको टास्क दे दिया, आपको टारगेट दे दिया, और टारगेट देने के बाद में अगर आपने उसको अचीव कर लिया है, इनकेस अगर आपने अचीव नहीं किया है तो अलग बात है, तो अगर आपने अचीव नहीं भी किया है तो उस भी सिचुएशन में चीज़ें काफ़ी कंट्रोल्ड वे में चली जाती हैं, क्योंकि आपके जो सुपीरियर बैठे हैं वो सारी चीज़ों को प्लान वे में आपको करके देते हैं, तो वहाँ पे आउटकम भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इससे काफ़ी टाइम जो है वो सेव होता है, काफ़ी रिसोर्सेज भी सेव होते हैं अगर उनको सही तरीके से फॉलो किया गया है तो। अगर आप अपने टास्क को ना करें, उसको एकदम निगलेक्ट कर दें तो अलग बात है, ऐसी सिचुएशन में आपका डिमोशन भी हो सकता है, आपको फायर भी किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी कैन हिंडर ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी की वजह से ट्रांसपेरेंसी में हिंड्रेंस हो सकता है, हिंड्रेंस माने काइंड ऑफ रुकावट आ सकती है। कैसे, अनलेस यू आर एट टॉप ऑफ अनलेस यू आर एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ए लार्ज बिजनेस, यू लाइकली विल नॉट हैव टू एक्सेस सीनियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इवन इफ यू आर इन सुपरवाइजरी रोल। अगर आप सुपरवाइजरी रोल में अगर हैं भी, सपोज करो कि अगर आपको कोई डिसीजन दिया जाता है तो आपको कई बार आप मेजर डिसीजन से अनअवेयर हो सकते हो, भले ही आप सुपरवाइजरी रोल क्यों ही ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो कई बार आपको डिसीजन में भी शायद नहीं बताया जाए, या क्या ये भी हो सकता है कि लेट में बताया जाए, तो उससे आपके काम पर भी फ़र्क पड़ सकता है, ट्रांसपेरेंसी में आपके फ़र्क पड़ सकता है। दिस कुड मीन दैट यू आर अनअवेयर ऑफ मेजर डिसीजन सच एज अपकमिंग मर्जर्स और रीस्ट्रक्चरिंग। कई बार क्या होता है कि कंपनी को मर्ज कर रहे होते हैं या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, आप भले ही कंपनी के सुपरवाइजर हो, भले ही कंपनी के आप टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग आप में आप बैठते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि जो टॉप मैनेजर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी को मर्ज करने की या रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार आपके जो डिसीजन होते हैं ना, वहाँ पे कहीं ऐसी सिचुएशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो ऊपर पूरा टॉप मैनेजर मैनेजमेंट के पास में होता है, तो ये थोड़ा सा हिंड्रेंस करता है काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी में, क्योंकि सारी बातें नहीं बताई जाती हैं सुपरवाइज़र को या मैनेजर को या मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उनको। छठा है कि ब्यूरोक्रेसी टेंड्स टू हैव एक्सटेंसिव रूल्स और पॉलिसी। काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव पॉलिसीज़ होती हैं, एक्सटेंसिव रूल्स होते हैं, कई बार यहाँ पे लोग मिसगाइड भी कर लिए जाते हैं। लार्ज कंपनी में कई बार योर कंपनी हैंडबुक लाइकली इंक्लूड्स एन यूजफुल पॉलिसी फ्रॉम ऑफिस ड्रेस कोड टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर देर आर ऑल्सो लाइकली फ्यू पॉलिसी दैट अपीयर अननेसेसरी और अनफेयर सच सीमिंगली चैलेंजिंग प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग पेड ऑफ टाइम। सो कुछ कुछ कई बार चीज़ें होती हैं ना, हर बार ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है आप वहाँ पे एडजस्टेबल हो, वो आपके लिए अच्छी ही हो, कई बार
ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, ऐसी पॉलिसी भी होती है जो काफ़ी कष्टदायक होती है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑनरस, ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक, मतलब जो जिससे कि आपको कंबर्सम फील हो रहा हो, आप ऑनरस फील कर रहे हो, इट्स काइंड ऑफ भारी या कष्टदायक इसका मतलब होता है, लिख लेना। तो वहाँ पे आप मिसगाइडेड भी हो जाते हो, आपको ड्रेस कौन सा पहनना है, कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, सारी कुछ उसमें मेंशन होती है। कई बार आप आपके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कंपनी के इन्वायरमेंट को या कल्चर को, एक तरीके से आप चैलेंज हो जाता है जिस कल्चर में आप ढले नहीं हो, रहे नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड ऑफ टाइम जो है उनका, ये ज़्यादातर लोगों को पैनिक होता है कि एक्स्ट्रा टाइम उनसे वर्क कराते हैं और उनको उतना पैसा नहीं देते हैं एक्स्ट्रा टाइम का कराने का, और आपसे एक्स्ट्रा यू नो टारगेट आपको ऐसा दे देंगे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, बट दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर एक्स्ट्रा वर्क यू आर और एक्स्ट्रा टाइम यू आर स्पेंडिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। सो दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सटेंसिव रूल्स एंड पॉलिसी विच हैम्पर्स यू और आपको डिस्टर्ब थोड़ा सा करती हैं, इट्स काइंड ऑफ मिसगाइड यू एंड ऑनरस यू। कई बार लोग नहीं बताते हैं कि कंपनी में कौन कौन से काम हैं और छुपे हुए काम होते हैं वो। सातवां है ब्यूरोक्रेसी कैन मिनिमाइज फ्रीडम, आपकी फ्रीडम काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो डिसीजन लेने के लिए, आपको अप्रूवल लेने होते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, तो काफ़ी आपको फेस करना पड़ता है और काफ़ी सिचुएशन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जो मैंने पहले ही बताया था कि ब्यूरोक्रेसी अगर किसी कंपनी में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। किसी छोटे से प्रोजेक्ट को भी अप्रूव करना पड़ता है या बिल्स को पास कराना होता है, टेंडर को भी पास कराना होता है, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो आपको फ्रीडम मिनिमाइज हो जाती है। नेक्स्ट है कि ब्यूरोक्रेसी कैन बी सोर्स और सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी। एक सेकेंड, ब्यूरोक्रेसी कैन बी सोर्स ऑफ इस ना ओके फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज एट अ सर्टेन लेवल माइट रिसीव फिक्स्ड सैलरी एंड बेनिफिट एंड वर्क टू कंप्लीट द सेम टास्क वाइल दिस मेक्स अ कॉम्पनसेशन स्केल फेयरर फॉर एवरी वन इट कैन मेक पोजिशन विदाउट अ नियर टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर प्रमोशन फील लाइक अ डेड एंड। एडिशनली दीज इनिफिशेंसी कैन बी डिफिकल्ट टू ऑल्टर इवन एज अ मार्केट इवॉल्व अ बिजनेस कंडीशन चेंजेस अ ब्यूरोक्रेसी मे स्ट्रगल टू स्टे अपडेटेड दिस कैन मीन द इनिफिशेंसी आर फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज ओवर टाइम। बिल्कुल, ये आपका जो इनिफिशेंसी है ब्यूरोक्रेसी आपकी इनिफिशेंसी को कहीं ना कहीं काफ़ी हैम्पर कर देता है। अगर कोई एम्प्लॉय हैं जो कि सर्टेन लेवल पे उनको ये पता होता है कि उनको कितनी सैलरी मिलनी है, उनको फिक्स सैलरी मिल रही है, उनको बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, तो वो सेम टास्क को अच्छे से टाइम पर कंप्लीट कर पाते हैं और उनको ये पता है कि अगर वो ये टाइम पे कंप्लीट कर जाएंगे टास्क को तो उनको कोई कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, कोई उनको बोनस भी मिल सकता है और वो सबके लिए इक्वली होता है, तो उसमें उनकी जो उनकी इफ़िशेंसी वो काफ़ी बढ़ भी जाती है कई बार, तो ये एक अच्छा साइन है। बट एडिशनली उनको इनइफिशेंसी भी कैन बी डिफ़िकल्ट टू ऑल्टर, और सेम टाइम में अगर वो चीज़ों को अपना 100% नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनका डिमोशन भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैन बी सोर्स ऑफ इनइफिशेंसी, अगर ज़्यादा आप टाइम दोगे, ज़्यादा चीज़ों को करोगे तो आपकी इनइफिशेंसी पे भी असर उसका पड़ सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, स्ट्रगलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा, आप हमेशा आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपना 100% देने के लिए। नेक्स्ट है कि हाउ टू मिनिमाइज अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी इन बिजनेस। देखो, थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी अगर कंपनी में है तो मैनेजेबल, एक्सेप्टेबल, बट ज़्यादा है अननेसेसरी तो कैसे उसको मिनिमाइज करें, ये सवाल है। तो सम फॉर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर हेल्पफुल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, इफ़ नॉट वाइटल, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वाइल अदर्स कैन इम्पीड द वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर थोड़े बहुत हैं तो फिर वो एक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशन है ना जो कि आपको रोक रहे हैं, इम्पीड का मतलब क्या होता है, इम्पीड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, इनहिबिट करना, प्रिवेंट करना, इसको लिख लेना, बाधा डालना। तो अगर आपके कोई ऐसा रूल है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट में को बाधा डाल रहा है, उनके लिए, उनके टारगेट को अचीव करने के लिए वो इम्पीड कर रहा है, तो वो गड़बड़ है, वो गलत है,
वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उसको रोकना चाहिए, वहाँ पे कंट्रोल थोड़ा उनको दे देना चाहिए, फ्रीडम थोड़ी दे देनी चाहिए. वंस यू हैव आइडेंटिफाई विच एलिमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आर यूजफुल एंड विच आर नॉट, यू कैन इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग स्टेप्स टू मिनिमाइज अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी इन योर टीम और ऑर्गेनाइजेशन. जब आपको एक बार पता पड़ गया कि आपकी अगर आप कंपनी में ब्यूरोक्रेसी करते हो तो वो कितना यूजफुल है या यूजफुल नहीं है, तो आपको तो पता चल ही जाएगा ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल पूरा देना है, कहाँ पे आपको कंट्रोल छोड़ना है. तो ऐसी सिचुएशन में आप चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो. उसके कुछ स्टेप हैं. स्टेप क्या है, देखो स्टेप नेक्स्ट स्लाइड पर दिए हुए हैं. जैसे कि आप पहले तो अपना जो गोल है उसको माइंड में रखो, ठीक है, और कि आपको करना क्या है, आपको कौन से इफ़िशियंट इम्प्लॉयज़ को लेके आना है, आप फोकस्ड रहो कि आपका रिजल्ट आपको क्या चाहिए, आपका टारगेट क्या है, ये चीज़ आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है. और ट्राई करो कि आप शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट तरीका जो है आप उसको निकालो, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट रूट निकालो ताकि आप गोल्स को इफेक्टिवली आप जो है मीट आउट कर सको. दूसरा, आपकी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए. प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए मतलब कौन से टास्क आपको कराने हैं, कब मीटिंग करानी है, आपका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा जॉब आपका प्रायोरिटी पे है, कौन सा काम आपका प्रायोरिटी पे है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका एक्चुअल जॉब क्या है. जब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर रहेंगी ना तो आपका काम अच्छे से हो पाएगा. तीसरा है कि एलिमिनेट अननेसेसरी पेपर वर्क. देखो पेपर एक ऐसी चीज़ है वैसे भी आपको बचानी चाहिए क्योंकि पेड़ से पेपर बनता है, वुड से पेपर बनता है. और अननेसेसरी पेपर वर्क से क्या होता है ना कि डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे अननेसेसरीली होता है वहाँ टाइम बहुत ज़्यादा जाता है. तो अवॉइड करो, क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर के आओ ताकि टीडियस ब्यूरोक्रेटिक वर्क को आप जो है वो हटा सको. पेपर वर्क जहाँ कम हो जाता है, जहाँ पे चीज़ें, क्योंकि आ तो ऑनलाइन का सारा कुछ ज़माना है, तो ऑनलाइन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क को हटाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. टीडीएस का देखो मतलब होता है कठिन, थकाऊ, मतलब ऐसा थकाने वाला काम मत दो, आप थकाने वाली चीज़ें मत दो. सेम इन्फॉर्मेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप ले रहे हो, अपने नीचे एम्प्लॉयज़ को बोल रहे हो कि भाई इसी इन्फॉर्मेशन को आप हार्ड कॉपी में दो, आप सॉफ्ट कॉपी में दो, आप व्हाट्सएप भी करो, आप मेल भी करो, ये करो वो करो. नहीं, ऐसा मत करो. एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करा लो, ऑटोमेटेड वे में करा लो ताकि ईजिली एक्सेसिबल हो आपके अदर इम्प्लॉयज़ के लिए. टीडीएस काम नहीं करो. टीडीएस का मतलब क्या हुआ, थकाने वाला काम मत करो. मतलब इट्स काइंड ऑफ ऑस्टियर, एक्सैक्टिंग, इम्पॉसिबल, नॉटी, फेंट, लैगार्ड, मतलब इसके मैं सिनोनिम्स बता रही हूँ आपको, ये सारी चीज़ें नहीं करो. नेक्स्ट है आपका इम्पावर योर एम्प्लॉयज़. अपने एम्प्लॉयज़ को इम्पावर करो. इम्पावर का मतलब क्या है कि उनको थोड़ी बहुत पावर दो, उनको थोड़ी बहुत पावर दोगे ना तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. और पावर नहीं देने से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी टीम की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी क्योंकि उनको किसी भी परमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा, उनको हर एक काम के लिए सुपरवाइज़र का मुंह देखना पड़ेगा एवरी टास्क के लिए. क्योंकि तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं काम को. इसके बजाय आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो, आप उनको उनकी अथॉरिटी बता दो, आप उनको वर्क दे दो, उनको थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट क्रिटिकल डिसीजन, अगर कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जब आपको क्रिटिकल डिसीजन लेने पड़े उनको छोड़ दो, थोड़ी उनको फ्रीडम दो. तो एम्पावर योर एम्प्लॉयज़ का मतलब ये हुआ. मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, ये सेम चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, ये नोट आप कर लेना, ठीक है. रिवार्ड योर टीम, अपनी टीम को रिवार्ड दो, मतलब अपनी टीम के मेंबर्स को आप प्रेज़ करो. कोई एक्शन अगर वो कर रहे हैं, कुछ कुछ काम वो अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो आप उनको उनको प्रेज़ करो. ये एंड अवॉइड बिकमिंग मायर्ड इन ब्यूरोक्रेसी. मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर में कई बार लोग मायर्ड हो जाते हैं, तो आप इसको जो है वो अवॉइड करो. मायर्ड बोले तो मतलब कि एक तरीके का मतलब फंस जाते हैं वो, है ना, वो किसी को एडमायर नहीं करना चाहते हैं. तो इसमें फंसो मत. मायर्ड का मतलब होता है फंस जाना, ठीक है. तो आप इसमें फंसो मत. आप उनको तारीफ़ करो, आप उनको प्रोडक्टिविटी अच्छा वो दे रहे हैं, आपको आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, तो आप उनको सिंपल प्रेज़ कर सकते हो. प्रेज़ करने का मतलब थोड़े बहुत उनको प्रमोशन दे सकते हो, थोड़े बहुत उनको बोनसेस दे सकते हो, इम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, छोटे छोटे आप इनिशिएटिव ऐसे ले सकते हो. या कैसे को प्रोएक्टिव वर्क अगर आप करो जो कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के हैं तो उनसे आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई उनको भी बूस्ट मिल रहा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो जो है उस पर वो और अच्छे से काम कर पाएंगे, फोकस्ड वे में काम कर पाएंगे. तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ चीज़ें हैं. ये मैंने आपको जो अभी बताया वो सारे स्टेप थे कि जब आपको पता पड़ गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको हटानी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगानी हैं, तो आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो. स्टेप्स यही सारे हैं. एग्जामिनेशन में इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देना. जब जहाँ पे स्टेप्स की बारी आएगी तो वहाँ पे ऐसा ब्लॉक बना करके ऐसे 1 2 3 करके लिख देना, ठीक है, इस तरीके से. अब 1 में क्या लिख दोगे, 1 में ये वाला लिख देना, 2 में ये लिख देना, 3 में ये लिख देना, 4th में जो नेक्स्ट स्लाइड पे वो लिख देना.
तो गाइस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी कई बार पूछता है कि व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ ही में मैं आपको और भी टॉपिक्स इस वक्त पढ़ा रही हूँ बिजनेस मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के। तो बने रहे हमारे साथ में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।